भाइयों, मैं हूँ रोहित शर्मा और आज खड़ा हूँ सबसे फेमस गाड़ी जो आती है किया के सामने, किया की तरफ से, जो कि है सेल्टोस। ये है आपका HTK प्लस वेरिएंट। तो भाई सामने से अगर इसकी बात करें, इसमें आते हैं चार सेंसर फ्रंट में, और हेडलैम्प्स आ जाते हैं आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और नीचे आ जाते हैं प्रोजेक्टर में आपका फॉग लैम्प्स। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो उसमें आता भाई ये ब्लू कलर है, ये आपके रेड इंडिकेटर आ जाते हैं ब्लू कलर में भाई, कार है ये अभी। और अगर एलॉय की हम बात करें तो ये आते हैं आपको सिल्वर कलर में, और इसका टायर साइज ये है 205/65R16 16 इंच के एलॉयज आ जाते हैं इसमें। बैक लाइट में बात करें तो भाई इसकी बैक लाइट अभी चेंज कर दी गई, जो आपका नया मॉडल आया पीछे सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर किया की बैजिंग आ जाती है, रियर में डिफॉगर आ जाता है आपका, ये बैक लाइट आ जाती है, और ये आपका एक वाइपर दे रखी है, रियर में लाइट दे रखी है। लेफ्ट साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है भाई, ड्राइवर साइड एक रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है, यहाँ पर एक लॉक एंड लॉक का ऑप्शन भी दे रखा है उसमें। ये भाई जहाँ से हम ट्यूब डलवाते हैं गाड़ी में, वो भी लेकर चलता हूँ भाई आपको इसके इंटीरियर की तरफ। तो ऐसा कुछ इंटीरियर आ जाता है आपका, ये डी कट स्टेयरिंग आ जाता है, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है और स्टेयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं, 3 स्पोक इसका स्टेयरिंग व्हील आ जाता है। ये आपका डोर पर थोड़ा कलर दिया हुआ ब्लैक कलर में, और यहाँ पर आप अंदर से मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मिरर और पावर विंडो दी हुई है, यहाँ पर बोतल होल्डर आ जाता है, और यहाँ पर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये एसी वेंट आ जाता है यहाँ पर, ये आपकी पूरी MID आ जाती है डिजिटल वाली, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं यहाँ पर, एक आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है USB और टाइप सी वाला, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है भाई आप इसमें, और इसमें सिस्टम आता है भाई ये बटन होता है इसका, ये बटन दबाकर रिवर्स लग जाता है इसमें, ये हैंड ब्रेक आ जाता है, और ये आपका आर्मरेस्ट जो कि काफ़ी स्पेशियस है। ऐसी कुछ की कर दी गई है अब इसकी किया सेल्टोस की जो आती है, अब किया सेल्टोस और किया सोनेट की एक जैसी की आ जाती है, ये कप होल्डर्स आ जाते हैं बीच में, ये आपका ग्लव बॉक्स आता था जो कि काफ़ी स्पेशियस है, और ये भाई लाइट आ जाती है, ये सनग्लास होल्डर आ जाता है, और इसमें सनरूफ दी गई है, ये आपका स्टेयरिंग एडजस्ट हो जाता है, चलते हैं इसकी रियर साइड। पहले आप पैसेंजर साइड देख लीजिए, पैसेंजर साइड में इतना स्पेस मिल जाता है, सीट पीछे रखते हैं आप और जब क्लोज कर लेते हैं तो इतना स्पेस बचता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल बन जाती है कार। अब चलते हैं इसके रियर साइड में, यह है भाई इसकी रियर साइड जो कि काफ़ी स्पेशियस लगती है, और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, और यहाँ पर आपको विंडो कंटेनर्स मिल जाते हैं इस तरीके को, सिल्वर कलर सिल्वर क्रोम में आपको यहाँ पर इसका डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर आ जाते हैं चारों तरफ, ये पावर विंडो का बटन आ जाता है, इसमें आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है, यहाँ पर एक हुक मिल जाता है, ये लाइट और ये रहा हुक इसका, यहाँ पर आपको ये हैंडल मिल जाता है, ऐसा कुछ इसका इंजन आ जाता है, यहाँ पर आपको ये हुक दिया हुआ होता है इसको अटकाने के लिए,
नीचे से पूरा कवर्ड होता है भाई इसका इंजन। रहती भाई आप किया सेल्टोस 2024 HTK+। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना आपको गाड़ी कैसी लगी। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।